नीतीश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया जिससे कि हिंदू समुदाय काफी आहत हुए हैं। यह मामला मां श्यामा काली माई मंदिर का मामला है जो कि तांत्रिकों के लिए एक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा कामेश्वर सिंह की चिता पर किया गया है क्योंकि ये तांत्रिक लोग इस तरह के जगह में काफी आस्था रखते हैं, इसलिए यह मंदिर काफी ही चर्चित मंदिर है जहाँ की बलि प्रदान सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इस मामले में अब अचानक से बिहार का शिवसेना जो है वह कूद गया है। मंदिर प्रबंधन समिति ने बलि प्रदान पर रोक लगाने का आदेश दिया है जो कि बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड के आदेश के अनुक्रम में लिया गया है और इस पर पब्लिक का गुस्सा इतना भड़का हुआ है कि लोग इसे सीधे के सीधी हिंदू आस्था पे सीधा प्रहार मान। वर्षों से चली आ रही है यह प्रथा। इस प्रथा की अगर हम देखें तो पशु बलि भारत में प्राचीन गैर वैदिक युग का हिस्सा थी और पुराणों जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। सेना का प्रांतीय अध्यक्ष आशुतोष झा का कहना है कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदू अनुयायी एक ही छत के नीचे विभिन्न परंपराओं का पालन करते हैं और पशु बलि उनमें से एक है, इसलिए इस पर किसी भी तरह के प्रतिबंध को हम अपनी धार्मिक आस्था पर कुठाराघात मानते हैं। अभी तब जब हमारे पुराण इस प्रथा को मंजूरी देता है। मुझे खुशी है कि मेरे पत्र के बाद जिला प्रशासन ने इस आदेश को वापस ले लिया है, लेकिन भविष्य में इस तरह का कोई दुस्साहस न किया जाए अन्यथा पूरे प्रदेश में प्रशासन को भारी देखने को मिलेगा। यह हमारी आस्था का मामला है। अगर दूसरे धर्म के अनुयायी अपनी आस्थाओं का पालन कर सकते हैं तो हमें इस तरह की आस्था पालन करने से कैसे रोका जा सकता है। शिवसेना इस तरह के मुद्दे को बढ़ चढ़ कर आगे उठाते रहेगी। विरोध सिर्फ